डॉक्टर मीर जवाद जार खान चेयरमैन जर्मेंटन हॉस्पिटल को 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताब से नवाजा गया। ऑल ओवर इंडिया टाइम्स रैंकिंग में जर्मेंटन हॉस्पिटल को प्लेस किया गया है। एक्सपीरियंस्ड जर्मन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी ओनली एट जर्मेंटन हॉस्पिटल अतापुर हैदराबाद। सशियोस के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां पर अमेरिका में मिग्निशन के वाटर पार्क में गोलीबारी हुई है। 2 बच्चे समेत 10 लोग घायल हो गए, आरोपी की मौत हो चुकी है। अमेरिका के मिग्निशन में एक वाटर पार्क में मास शूटिंग से कम अज कम 10 लोग घायल हो गए, इनमें 2 बच्चे शामिल थे। अधिकारियों ने बताया है कि संदिग्ध शख्स को बाद में पास के घर से मरा हुआ पाया गया है। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस के मुताबिक गोलीबारी एक रैंडम हादसा था और वजह का भी पता नहीं लग पाया है। अधिकारियों ने हादसे से एक हैंडगन और 3 खाली मैगजीन बरामद की है। ऑकलैंड काउंटी के शेरिफ माइकल बुडशार्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि मिग्रेशन के रोचेस्टर हिल्स के ब्रुकलैंड प्लाजा पार्क के सामने एक शख्स शाम करीब 5 बजे एक गाड़ी से उतरा और ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी। उसमें 9 mm की सेमी ऑटोमेटिक ग्लॉक के करीब 30 गोलियां चलाई थी। रोचेस्टर हिल ड्रॉपलेट के लगभग 50 किलोमीटर दूर है। इतना ही नहीं, मिग्रेशन के गवर्नर ग्रेचर विटमोर ने एक गोलीबारी के हादसे में अपने एक्स पर लिखा है कि रोचेस्टर हिल्स में हुई गोलीबारी में जानकर मैं बहुत दुखी हूँ। हम स्थिति पर यानी कंडीशन पर नजर रखे हुए हैं। अगली हैरतअंगेज बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर 72 साल के बुजुर्ग ने 12 साल की बेटी यानी बच्ची से शादी करी है। इन वक्त पर वहां पर पुलिस पहुंच गई और जमकर बवाल हुआ है। पाकिस्तान में एक शख्स ने अपनी 12 साल की छोटी मासूम बेटी की शादी 72 साल के बुजुर्ग से करवाने जा रहा था, तभी मौके पर वहां पर पुलिस पहुंच गई और निकाह को खुआन करके दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान में आए दिन इस तरह के मामला सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार इस मामले ने सबको सट्टा बट्टा कर दिया है। एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पिता ने अपनी 12 साल की बेटी की शादी 72 साल के बुजुर्ग से कराने का फैसला कर लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक पिता का नाम अलाम सैयद बताया जा रहा है। 5 लाख की कीमत पर वो मासूम बेटी का निकाह 72 साल के हबीब खान से करवाने जा रहा था। मामले की जानकारी जब पुलिस को हुई तो बुजुर्ग दूल्हे और निकाह खुआन को गिरफ्तार कर लिए गए, वहीं मासूम का पिता मौके से फरार हो गया है। इस मामले की पुख्तगी पाकिस्तान न्यूज चैनल ARI न्यूज के मुताबिक दी गई है, जहां पर लड़की के पिता के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। पाकिस्तान में इस तरह के वारदात बहुत आम हो गए हैं। इस तरह के वारदात पाकिस्तान में पंजाब में छोटे मोटे कस्बे गांव में ज्यादा होते हैं। एक पिता ने अपनी 11 साल की बेटी की शादी 40 साल के शख्स से भी करवाने का फैसला कर लिया था। वहीं एक और मामले में अपनी नाबालिग बेटी की 50 साल के मकान मालिक से शादी भी तय हो चुकी थी। वहीं एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज राफा से आ रही है, जहां पर हमास ने नहीं मारा, इसराइल ने खुद अपनी गाड़ियां उड़ाई हैं। राफा में कैसे मारे गए हैं आठ इसराइली सैनिक आपको बताते हैं। राफा में एक ऑपरेशन के लिए इस वक्त इसराइली सैनिकों के वाहन बम की चपेट में आ गए थे। इस हादसे में 8 सैनिक मारे गए थे। जानकारी सामने आई है कि इसके पीछे हमास का हाथ नहीं है, बल्कि खुद की वाहन ट्रांसपोर्टेशन वहां पर है। राफा में इसराइल और हमास के बीच में जंग चल रही है। गाजा में शमशान बनाने के बाद इसराइली सेना अब हमास के आखिरी गढ़ को पहुंच रही है। इस बीच ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि राफा में एक ऑपरेशन के लिए जाते वक्त हमास ने इसराइली सैनिकों की ट्रांसपोर्टेशन को बम से उड़ा दिया। इस मामले में 8 सैनिक मारे गए। हालांकि इस वारदात को लेकर अब चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इसराइली रक्षा सूत्रों का कहना और मानना है कि इसराइली सैनिकों की मौत की वजह हमास नहीं है, बल्कि उनकी खुद की गलती हो सकती है। जांच में सामने आया है कि जिस ट्रांसपोर्टेशन में इसराइली सैनिक सवार थे उसमें बम ब्लास्ट हो गया था। ऐसे में ब्लास्टर फट गया और चपेट में आकर 8 इसराइली सैनिक मारे गए हैं। इसराइली सेना ने सैटरडे को इसकी इत्तला सुबह 5 बजे करीब गाजा पट्टी में राफा में ब्लास्ट के बाद दी है। अगली ही बड़ी खबर कनाडा से आ रही है, जहां पर कनाडा में अब तक की सबसे बड़ी चोरी में हिंदुस्तानी शख्स का आरोपी सरेंडर करेगा। 400 किलो सोना चुराने का इल्जाम उस पर लगा है। कनाडा में अब तक की सबसे बड़ी चोरी में शामिल हिंदुस्तानी सरेंडर करेगा। 400 किलो सोने की चोरी के वांटेड एयर कनाडा के प्रबंधक ने जुमे को CBSE को बताया है कि वो सरेंडर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी जिसमें $20 मिलियन की गोल्ड शामिल है, वो शख्स सरेंडर करने की सोच रहा है। एयर कनाडा के पुराने प्रबंधक ने जुमे को कैंडाई ब्रॉकिंस्टिक कॉर्प को CBSE में बताया है कि वो खुद को सौंपने को तैयार कर रहा है। उसका नाम है सिमरनप्रीत पनेसर और वो टोरंटो के प्रियवसन हवाई अड्डे से अप्रैल 2023 में हुई चोरी के इल्जाम में फरार हो गया था। ऐसे में लेफ्टिनेंट ने बताया है कि उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि वो पनेसर अगले कुछ हफ्तों में अपने आप को सरेंडर के लिए योजना बना रहा है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।